आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन का आगाज हुआ। इस ऑक्शन के लिए 1166 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से केवल 333 खिलाड़ियों के नाम फाइनल लिस्ट में आए हैं। फाइनल लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 214 है, तो वहीं 119 खिलाड़ी विदेशी हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं और दिखाते हैं आपको इस आईपीएल सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। मिचेल स्टार्क। जी हाँ, मिचेल स्टार्क को आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बना दिया है आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी। केकेआर ने स्टार्क को रिकॉर्ड राशि 24.75 करोड़ में खरीदा। सिर्फ स्टार्क ही नहीं, और भी कई प्लेयर्स हैं जिनकी ऊंची ऊंची बोली लगाई गई और खरीदा गया। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि किस प्लेयर को किसने किस कीमत पर खरीदा। शुरुआत करेंगे डेरिल मिचेल से। इस बार न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑलराउंडर डेरिल मिचेल के लिए पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स में बिडिंग वॉर हुआ। दोनों टीमें न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी के लिए लंबी जद्दोजहद करती दिखी, लेकिन फायदा तो किसी एक का ही होने वाला था, लिहाजा मिचेल के लिए पंजाब और चेन्नई के बीच बोली लगती रही। दोनों टीमों ने 12 से लेकर 13 करोड़ 75 लाख रुपए तक की बोली लगाई, लेकिन अंत में चेन्नई ने 14 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर मिचेल को अपने नाम कर लिया। दूसरे नंबर पे है पैट कमिंस। इस बार जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं आईपीएल के, वो है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में बिडिंग वॉर शुरू हुआ। 2 करोड़ की बेस प्राइस में मुंबई ने शुरुआत की, उन्होंने 5 करोड़ तक बोली लगाई। यहां से बेंगलुरु और चेन्नई में भी बिडिंग वॉर स्टार्ट हुआ। दोनों ही टीमों को कप्तान की जरूरत है। चेन्नई ने 10 करोड़ तक बोली लगाई और इसके बाद बेंगलुरु और हैदराबाद आगे बढ़े और पैट कमिंस के लिए 20 करोड़ तक बोली लगाई गई, जिसके बाद बेंगलुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए और हैदराबाद ने आखिर में 20 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली लगाते हुए पैट कमिंस को अपने नाम कर लिया। तीसरे नंबर पर है हर्षल पटेल। अब हम बात करने जा रहे हैं स्लोअर बॉल स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल की। हर्षल पटेल के लिए गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में बिडिंग वॉर हुआ। हर्षल पटेल के लिए 10 करोड़ 75 लाख रुपए तक गुजरात ने बोली लगाई। उनके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी पटेल को अपने नाम करने की कोशिश तो की, मगर दांव चल नहीं पाया। पटेल के लिए पंजाब फिर भी आखिर तक टिका रहा और फिर कहीं जाकर पंजाब ने हर्षल को 11 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। अभी तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक हर्षल पटेल इस ऑक्शन के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चौथे नंबर पर है क्रिस वोक्स। अब बात करते हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स की, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ 20 लाख में खरीदा। इंग्लैंड का ये क्रिकेटर अपनी ऑलराउंड स्किल की वजह से सबकी नजर में था, इसी वजह से इन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बिडिंग वॉर में आखिर में जीत हुई पंजाब किंग्स की, जिनके टीम के नाम के साथ अब जुड़ चुका है नाम क्रिस वोक्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं उस खिलाड़ी की ओर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे वर्ल्ड कप में हीरो रहे। ट्रैविस हेड को 6 करोड़ 80 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। उनके लिए चेन्नई ने भी बोली लगाई। हेड की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी। हेड ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 50 और फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। अब बात करें वेस्टइंडीज के T20 कप्तान रोबमन पावल की, तो ऑक्शन में सबसे पहले उन्हीं का नाम था और बोली 7 करोड़ रुपए के पार हुई। उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए थी और उनके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स में बिडिंग वॉर हुआ। बिडिंग वॉर में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 7 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा और नीलामी के लिए छोड़े गए 14 करोड़ 50 लाख में से लगभग आधा पैसा खर्च कर दिया। आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए खिलाड़ी के नामों में से एक नाम है जेरल्ड कोएट्जी। आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए जेरल्ड कोएट्जी को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा। जेरल्ड का ये आईपीएल में डेब्यू भी है और उनका बेस प्राइस था 2 करोड़ रुपए। अगर जेरल्ड कोएट्जी के इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 2 टेस्ट मैच, 14 वनडे और 3 T20 मैच खेले हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को भी CSK द्वारा खरीदा गया। ठाकुर ने आईपीएल 2024 की नीलामी में अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा था, लेकिन वे इससे भी ज्यादा पैसे लेकर CSK में शामिल हुए हैं।
उन्हें चेन्नई ने 4 करोड़ की राशि देकर 2 साल बाद फिर अपने साथ जोड़ा है। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर को केकेआर ने आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था। केकेआर ने आईपीएल 2023 में शार्दुल को दिल्ली कैपिटल से ट्रेड किया था, लेकिन इस दौरान उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल 2023 में वे कुछ मैचों में तो चोटिल भी हो गए थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के रचिन रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.80 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने वनडे विश्व कप 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। साथ ही ये उनका आईपीएल में फर्स्ट टाइम होगा। आपको बता दें कि रविंद्र वनडे विश्व कप 2023 में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 10 मैच की 10 पारियों में 64.22 की औसत से 106.45 की स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए थे। आईपीएल 2024 की नीलामी में इंग्लैंड के धुरंधर हैरी ब्रुक की लॉटरी लग गई है। ब्रुक को दिल्ली कैपिटल्स ने मोटी रकम में खरीद लिया है। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 4 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा। उन्हें खरीदने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी बोली लगाई, लेकिन अंत में बाजी दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में लगी। ब्रुक ने पिछले सीजन में डेब्यू किया था और उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 11 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 123.38 के स्ट्राइक रेट से 190 रन बनाए थे। ब्रुक को पिछले सीजन में हैदराबाद ने 13.25 करोड़ में खरीदा था, लेकिन जैसे प्रदर्शन की उम्मीद उनसे थी वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात ये है कि इंडिया में होने वाले आईपीएल में इस बार सभी टीमों का ध्यान इंडियन क्रिकेटर से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों पर है, इसलिए बिडिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वेल, अब देखते हैं कि बिडिंग खत्म होने तक और कितने खिलाड़ी टीम सिलेक्टर्स का दिल जीत पाते हैं या नहीं। हम आपके लिए लेते आते रहेंगे आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी और खबरें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।